अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो टिकटॉक। तो यहाँ पे 2 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अब मैं एक ट्रेड लूँगा। नाइट का टाइम है, लेकिन नाइट के टाइम में जो है ना, आप लोग ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ट्रेडिंग का कंसेप्ट ये होना चाहिए कि आप कौन से मिजाज के बंदे हो, ठीक है, ग्रेडी हो या जितना जितने पे आप गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कितने पे आप गुजारा कर सकते हैं। तो अगर आप मनी मैनेजमेंट टारगेट सबको सामने मद्देनज़र रखें, ठीक है, तो आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो नाइट का टाइम है, वैसे तो मैं नाइट के टाइम में ट्रेड नहीं करता, लेकिन पीछे मार्केट को मैंने थोड़ा सा देखा था, तो उसकी वजह से ये मेरा पास जो है ना फुल डायग्राम में अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये देखो, 2 मेरे पास बैक टू बैक सेलर्स आए थे, ठीक है, और फिर एक जो है ना बायर्स आया था जिसको सारा ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद काफ़ी प्रेशर के साथ एक लॉन्ग कैंडल बना था। मैंने जैसे पहले बताया था कि कैंडल स्मॉल बने या बिग बने, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट हो तो बेहतर होगा, उसके बाद एक बायर्स ने आना है ज़रूर, ठीक है। मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन ये भी था कि मेरे पास एक सपोर्ट भी था, पीछे रेजिस्टेंस भी था, उसको भी ब्रेकआउट किया था, ठीक है। तो देन हमने यहाँ पे एक एंट्री लेनी है, इंशाल्लाह ये 99.9% परफेक्ट जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने इसको सेशन में भी डिस्कस किया था और जो है ना मैंने ग्रुप में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो आप लोगों ने ऑलवेज जब भी कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करोगे तो 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप उसको माइंड में जो है ना रखें तो वो बेहतर होगा आपको ट्रेडिंग के लिए। सबसे नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड नंबर पे प्रॉफिट मैनेजमेंट, जिस पे हम अपने माइंड को काबू रखते हैं। कभी कभार हमारा ऐसे होते हैं कि प्रॉफिट ले के भी जो है ना हम रचता नहीं है, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे 2 मिनट का, ठीक है, तो मैंने एंट्री ले लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ट्रेड लिया है और इंशाल्लाह ये विन होगा। तो तीसरा नंबर पे जो है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग किंग, ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग आप किंग, वो क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे बेस्ट रोल जो आपके ट्रेडिंग में परफॉर्म करता है ना, वो साइकोलॉजी है, ठीक है। साइकोलॉजी अगर आपका कंट्रोल है और अपने टारगेट को डेली अचीव करते हो और अपने ट्रिगर को जब आपको पता चल जाए कि मेरे टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद मार्केट से निकलो, तो बहुत स्पेसिफिक जो है ना ऐसे चीज़ है कि आपके माइंड में अल्लाह ताला ने आपको दिया है कि आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग पर क्या, 99% लोग जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, ना प्रॉफिट पे कंट्रोल कर सकता है, ना लॉस पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, और फिर आए दिन रोना धोना होता है कि अकाउंट वॉश हो गया। तो जो मैंने ट्रेड लिया, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है, और जिस तरह मैंने ये 1 मिनट के ऊपर चार्ट कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर 2 मिनट हो तो ये 2 कैंडल ग्रीन, ये कितने बनते, ये 4 कैंडल, पीछे वाले रेड कैंडल, ये मेरे पास कितने कैंडल्स बनते हैं, ये मेरे पास बनते हैं 4 कैंडल। तो मार्केट में आप लोगों ने इसको लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड लेनी है, क्योंकि लाइव मार्केट में क्या होता है, रिवर्सल्स होते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा शॉर्ट्स मिलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें 20 सेकंड हैं और ये होगा विन इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर मैं ट्रेड करूँ या आप लोग ट्रेड करें तो बेहतर ये होगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करें। 2, 3, 4, 2, 1, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया विन, ठीक है, ये हो गया विन। तो मैंने लाइव ट्रेड इसलिए किए और अमाउंट भी इसलिए ज़्यादा थोड़ा लगाया था, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है, कि यहाँ पे कितना श्योरिटी थी। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आज का टारगेट मिनिमम है लेकिन गुड है, ठीक है, स्टॉप कर दिया, गुड लक, ओके, थैंक यू।